नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपना विश्लेषण फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे आज चित्रकोट विधानसभा सीट का। छत्तीसगढ़ बनने के बाद सन 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप को मैदान में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा शाह को लगभग 3500 मतों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की। अगर बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर बैदुराम कश्यप को टिकट दी। उन्होंने कांग्रेस की प्रतिभा शाह को दोबारा हारने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से लगातार दो बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन 2013 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ गई। कांग्रेस की दीपक बैज ने भाजपा के बैदुराम कश्यप को लगभग 12,000 मतों के अंतर से इस विधानसभा चुनाव में हराया था। वर्तमान विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो इस वक्त जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें लच्छूराम कश्यप को भाजपा ने टिकट देकर एक बार फिर अपना दावेदार बनाया है। वहीं कांग्रेस की दीपक बैज दोबारा मैदान पर उतरे हैं। चित्रकोट में विकास के कई कार्य पर्यटन की दृष्टि से किए गए हैं, जिसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को इस चुनाव में मिल सकता है। वहीं दीपक बैज उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है।